अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी ये सेकंड वीडियो है सैफ्रन के प्रोपोगेशन की। वीडियो सेकंड है, पहली वीडियोस में मैंने आपको ये इम्पोर्ट्स में सैफ्रन लगा कर दिखाए थे और उनकी सोइल के बारे में बताया था कि किस किस्म की सोइल में ये उगते हैं। तो आज इनको लगाए हुए इम्पोर्ट्स में पूरे 24 दिन हो चुके हैं। जैसा कि पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ये स्प्राउट कम से कम 20-25 दिन बाद निकालेंगे, और जब 35 डिग्री से कम सेंटीग्रेड दर्जा हरारत कम हो जाएगा तो ये स्प्राउट निकालना शुरू कर देते हैं। और ये भी बताया था कि 10 से 15 सेंटीग्रेड से कम मौसम पर ये फूल निकालना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, ये देखिए, मैं आपको इस वीडियो में इनका ये स्प्राउटिंग इन्होंने स्टार्ट कर ली है, 24 दिन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स को इनकी वीडियो बनाकर दिखा दूं, क्योंकि ये लोग मेरे व्यूवर्स जो हैं ये मत समझें कि इनके जो फ्लावर से और प्रोपोगेशन से लेकर फ्लावर तक के दरमियान की वीडियोस हमें नहीं दिखाई गई। तो लिहाजा जब इनके स्प्राउट की निकलने की वीडियो भी मैं आपसे जो है वो शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्प्राउट निकल चुके हैं। ये मैंने 10 गमलों में 10 बल्ब लगाए थे, हर गमले में एक 6 इंच के पॉट में इनको मैंने लगाया था। ये देखें, इसके भी स्प्राउट निकल रहे हैं। और ये देखिए, इनके भी जो हैं वो निकल रहे हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, नाज़रीन नाज़रीन, ये मैंने कुछ क्यारी में लगा दिए थे। इन पॉट्स में मैंने सिर्फ 10 बल्ब लगाए थे, जिनमें 10 के 10 जो बल्ब हैं सभी ने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर ली है 24 दिन बाद। तो अब मैं इनके पानी के बारे में आपको बताता हूँ कि जिस दिन मैंने लगाए उस दिन से आज तक मैंने पानी की जो इनमें कंडीशन है वो क्या रखी। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसमें मॉइस्चर थोड़ा कम है, इनमें कुछ मॉइस्चर ज़्यादा है। तो इन्होंने आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले ये स्प्राउटिंग स्टार्ट की है। तो जिस दिन मैंने लगाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पानी सिर्फ इतना लगाना है कि इनकी ऊपर वाली ये मिट्टी ही गीली रहे, क्योंकि ये जो इनका सैफ्रन का बल्ब्स होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। थोड़ा सा ज़्यादा पानी हुआ नहीं और ये इसको फंगस से लग जाता है, गल जाता है, ये सड़न पैदा हो जाती है। तो इस तरह ये बल्ब ज़ाया हो जाता है, बेकार हो जाता है, उगने के काबिल नहीं रहता। तो लिहाजा अब ये इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इनको पानी जो है थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया है। इसी तरह जब इनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए तो आप इनका पानी जो है वो कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह ये आप पॉट में देख रहे हैं, जिस तरह ये प्लांट की आपको मिट्टी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मॉइस्चर इसमें नज़र आ रहा है, इसी तरह बिल्कुल मैंने इनको रखा इन 24 दिनों के दरमियान। और पहली वीडियो में तो आपने देखा होगा कि इसमें मैंने जो फर्टिलाइज़र यूज़ की थी इस मिट्टी में, तो ये भालू मिट्टी थी। इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट मिक्स की थी और उसके अलावा जो है DAP के चंद दाने एक पॉट में मिक्स कर दिए थे। दोस्तों, ये जो DAP पहले भी मैंने बताया था, इसमें जो फास्फोरस है वो
जो ज़मीन के नीचे रूट्स पैदा करते हैं, बल्ब्स, सो जो सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्लावर पैदा होते हैं, ये DAP उनके लिए बहुत ही कारआमद है। जिस तरह आप ये 24 दिन का मेरा सैफरून के स्प्राउट का रिजल्ट देख रहे हैं, ये इन्हीं इसी सोयल पर डिपेंड करता है। बहुत ही बेहतरीन किस्म की सोयल मैंने जो आपको दिखाई थी, जिस वजह से मुझे ये जो 24 दिन का रिज़ल्ट मिला है, ठीक है। और ये जो फास्फोरस होता है, ये जैसे प्याज, लहसुन, शलजम, मूली वगैरह होगी, ऐसी वेजिटेबल या फ्लावर जो ज़मीन के नीचे ही अपनी फ्रूट बनाते हैं, तो उनके लिए ये फास्फोरस बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने आपको पहली वीडियो में ये जो जैफरून की प्रोपोगेशन के लिए सोयल मीडिया बनाना दिखाया था। ये देखें, अभी मैं नज़र आ रही है थोड़ी सी कंपोस्ट, ये ब्लैक ब्लैक सोयल जो नज़र आ रही है, ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट जो इसमें मैंने डाली थी। इसमें ये खूबी है लीफ कंपोस्ट में, ये पानी को स्टोर करती है और मॉइस्चर इसमें बहुत बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जमा हो जाता है। अगर आपसे कभी पानी की कमी भी हो जाए तो ये इसे कवर कर लेती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर वाटर को स्टोरेज करने की सलाहियत होती है। ओके, तो दोस्तों, मैंने आपको ये 24 दिन का रिज़ल्ट दिखा दिया है। अब तीसरी वीडियो, थर्ड पार्ट, उस वक्त बनाऊंगा जब इसके जो फ्लावर आ रहे होंगे, उस वक्त मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। तो और फोर पार्ट जो है, चौथा पार्ट, चौथी वीडियो, वो उस वक्त मैं बनाऊंगा जब इनके फूलों को हार्वेस्ट आपने कलेक्ट करना है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैंने अपने पाकिस्तान की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पर, ये सैफरून की प्रोपोगेशन के बारे में बहुत ही कम, उनमें ये 20-25 दिन का या स्प्राउटिंग का रिज़ल्ट दिखाया जाता है। वो इसलिए कि अक्सर लोगों से इसकी जो है वो प्रोपोगेशन सही तरीके से नहीं होती, तो फिर वो क्या रिज़ल्ट दिखाएंगे, 20-25 दिन का रिज़ल्ट उन्होंने क्या दिखाना है। ओके, तो नाज़रीन, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक मुझे जो है इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।